अगर आप अपनी प्लानिंग खुद नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों के प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप फेल होने की तैयारी और प्लानिंग कर रहे हैं। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे अपने दिन की प्लानिंग करें ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, आपको कुंठा ना हो, पछतावा ना हो कि यार मैंने एक दिन फिर बर्बाद कर दिया, फिर बेकार कर दिया ना चाहते हुए भी, बल्कि आपका दिन फ्रूटफुल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिस मकसद से आपने बिजनेस ज्वाइन किया है वो पूरा हो सके, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये फीलिंग आए, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, 97% एजेंट के साथ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते या मेहनत नहीं करना चाहते। आप मेहनत करना चाहते तभी आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्लैरिटी नहीं है क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। इसलिए जब क्लैरिटी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और शाम को फ्रस्ट्रेशन, कुंठा आती है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं और फिर नेगेटिव दुनिया में चले जाते हैं। यही हाल है। ऐसा आपके साथ ना हो और आप इस बिजनेस में अपने गोल तक पहुंच पाए, लक्ष्य तक पहुंच पाए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इसमें तीन बातें बताऊंगा। नंबर एक, प्लानिंग का सही मतलब क्या होता है और प्लानिंग क्यों करना चाहिए डेली बेसिस पे। नंबर दो, तीन गलतियां जो 97% इंश्योरेंस के एडवाइजर करते हैं जब प्लानिंग की बात आती है। और नंबर थ्री, जैसा हर वीडियो में, एक्शन, गेम प्लान, करना क्या है, स्ट्रेटजी सुनो और काम पे लग जाओ। नो थिंकिंग, नो टेंशन, काम करो और पैसा कमाओ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सचान और मैं आपको टीच कर सकता हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप कैसे हर महीने कम से कम 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में लगाए, बगैर कोई ऑफिस लिए, बगैर किसी के तेल मालिश करे, प्रोफेशनल तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से, ईमानदारी से, सच बोल के इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। और दोस्तों, मेरा एक मिशन, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1,00,000 एमडीआरटी बनाने। अगर आप बनना चाहते हैं तो जुड़ गए हैं, जुड़े रहिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि इस तरह के वीडियो कमेंट्स आपको मिल। बहुत ही दोस्तों शानदार टॉपिक है, इसलिए मैं इतना एक्साइटेड हूं, इतना जबरदस्त आपको देने वाला हूं। अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो कभी जिंदगी में आपका दिन खराब नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्लानिंग का सही मतलब क्या होता है और प्लानिंग क्यों करना चाहिए। पहली आपसे विनती है, अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करना इसमें क्या अच्छा लगा। अगर बार बार आते थे तो भी दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए बात करते हैं प्लानिंग का सही मतलब क्या होता है। बहुत सारे इंश्योरेंस के एडवाइजर ये सोचते हैं कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि टू डू लिस्ट, कल मुझे क्या करना है, बस यही प्लानिंग है। और ज्यादा करके लोग, पहली बात तो लोग प्लानिंग करते नहीं है, अगर करते भी हैं तो टू डू लिस्ट बना के उसको रख देते हैं और वो टू डू लिस्ट पूरी होती नहीं है, फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? तो टू डू लिस्ट जो है ना, वो केवल 5% है कि कल मुझे क्या करना है, ये प्लानिंग के केवल 5% है। यानी जो रसगुल्ला है ना, वो रसगुल्ले का जलाव है, रसगुल्ले का सीरा है, वो 5% टू डू लिस्ट। असली जो रसगुल्ला है वो बता रहा हूं। तो असली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, नंबर एक, टू डू लिस्ट नहीं, नॉट टू डू लिस्ट। अरे क्या बोल गए रवि जी, नॉट टू डू लिस्ट। हां सुनिए, क्या नहीं करना है, यह पहला प्लानिंग का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग रोज कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिनका आपके लाइफ से, आपके करियर से, आपकी गोल से, आपकी तरक्की से 36 का आंकड़ा है। यानी वो काम करने से आप सफलता से दूर, असफलता के दलदल में धंस रहे हैं। हम सब रोज काम ही करते हैं। तो पहली बात यह समझिए कि आपको क्या नहीं करना, आपने क्या ऐसी गलतियां करी हैं, फेसबुक चला दिया, दोस्त से बात कर ली, ज्यादा खाना खा लिया, टीवी देख गए, मतलब फिर आपने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, ये पहली बात है, प्लानिंग का हिस्सा है। ओके, दूसरी बात, अब जो आप करेंगे, दूसरा पॉइंट, करना क्या है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे कल काम करना है, नहीं, काम नहीं करना है आपको, सिर्फ वही काम करना है जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा, गोल से दूर नहीं जाएगा, गोल की तरफ लेके जाएगा। यानी अगर आपका एमडीआरटी का गोल है, सीओटी गोल है, टीओटी, जो भी गोल है, क्या जो आप कल काम करने वाले हैं वो आपको आपके लक्ष्य गोल की तरफ लेके जाएगा या उससे दूर लेके जाएगा। अपनी डायरेक्शन की तरफ चलना है, लक्ष्य की तरफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही काम करने है कि क्या मैं जो कल काम करूंगा वो मुझे किधर लेके जाएगा, वो आपको काम करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, बिजनेस की बात हो रही है। ओके,
और तीसरा काम क्या करना है आपको प्लानिंग में, सबसे बड़ी बात आपको आपको यह सोचना है, वन फैक्टर वन थिंग, मतलब आपको यह सोचना है कि मेरा जो लक्ष्य है, जो गोल है, मैं एक ऐसा काम क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं जो मुझे 10 गुना रिजल्ट दे। ऐसा होता है, ऐसी मैं एक क्या एक्टिविटी करूं अपने बिजनेस में, कर सकती हूं, कर सकता हूं जो मुझे 10 गुना रिजल्ट दे। मतलब मैं किसको फोन कर सकता हूं, सोचिए किसके पास जाऊं, क्या एक्टिविटी करूं, कहां मार्केटिंग करूं, कहां करूं, कुछ ऐसा। वन एक्टिविटी इज इक्वल टू 10x रिजल्ट, ये पॉसिबिलिटी होती है। एक बार मारूं तो उससे 10 काम बन जाए, उसके लिए सोचना पड़ेगा, दिमाग को खपाना पड़ेगा। ये असली प्लानिंग है। और ये जो मैंने बताया तीसरा पॉइंट, इसको सोचने के लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा और माइंड को डिस्ट्रैक्शन से हटा के जरा शांति से लाना पड़ेगा, तब आपको वो आइडियाज मिलेंगे, आएंगे। ये दोस्तों असली प्लानिंग का मतलब है, मतलब क्या नहीं करना, जो करना है क्या मुझे गोल की तरफ लेके जाएगा, और तीसरा एक ऐसी एक्टिविटी क्या करूं जो कि गेम बदल दे। और रोज ऐसा आपको सोचना है। ये हो गया सही प्लानिंग। अब प्लानिंग करना क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा समझते हैं फिलॉसफी से। आज से अगर हम दोस्तों 500 साल पहले, 1000 साल पहले जाएं, तो जिस तरीके से ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन हुआ है, तो पहले अगर आप देखो 500 साल पहले तो युद्ध बहुत होते थे, हमेशा युद्ध ही चलता, जहां देखो लड़ाई चलती रहती थी। तो जब युद्ध होते थे तो जो सेना के सेनापति होते थे वो लोग रात को बैठ के समीक्षा करते थे कि यार हमारा युद्ध कैसे चल रहा है, हमारी सेना क्या है, सामने वाली पार्टी में क्या, कौन सा पॉइंट उनका वीक है, मतलब वो पूरा जो है अपना समीक्षा करते थे। अब अगर आप और मैं अपनी लाइफ को देखूं, हम सारे यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। अंतर ये है कि पहले युद्ध होता था आपस में सेनाओं में, अब युद्ध होता है अपने आप से। अब सारी फाइट जो है वो अपने आप से है, क्यों, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब में एक क्वालिटी है, क्या, हम सब सुखी होना चाहते हैं। वी ऑल वॉन्ट टू हैव पीस एंड लव, ये हम सब चाहते हैं। तो उस सुखी होने के चक्कर में युद्ध चल रहा है, अब युद्ध अपने आप से चल रहा है, अब युद्ध चल रहा है, और हम अगर अपनी डायरेक्शन को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना, अगर ये सब मैं रोज नहीं सोचूंगी तो क्या होगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मैं ऐसी जगह पहुँचूंगा जो मैं नहीं चाहता, फिर बोलूँगा मेरी किस्मत खराब। इसको बोलते हैं डेली समीक्षा करना, जो मैं बोलता हूँ रोज शीशा देखना शाम को एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने आज क्या किया। इसी को बोलते हैं मेजरमेंट, क्यों, वट एवर गेट मेजर गेट इंप्रूव, नोट कर लीजिए, जो आप नापना शुरू करोगे वो इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए डेली बेसिस पे आपको प्लानिंग करना चाहिए। ये गेम चेंजर पॉइंट दिया है, अगर यही समझ गए आप, वट एवर गेट मेजर गेट इंप्रूव, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो टाइप करें कॉमेंट बॉक्स में अगर ये आपको आइडिया गेम चेंजर लगा। अब मैं बताता हूं कि आपको प्लानिंग करते समय 3 गलतियां जो 97% एडवाइजर लोग करते हैं। उसके पहले अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस में कम से कम 1 लाख से 3 लाख कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस ज्वाइन किए और लाख महीना, आज ऐसा नहीं है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। बट अगर आप चाहते हैं कैसे कमा सकते हैं, आप सीखना चाहते हैं कैसे फोन कॉल करते हैं, लीड बनाते हैं, सवाल पूछते हैं, पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो जो मैं संडे को शाम को 8 बजे वर्कशॉप कर रहा हूँ फॉर लाइफ इंश्योरेंस पीपल, या जो लोग शुरू करना चाहते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम हाउसवाइफ प्रोफेशनल, ये किताब सेल्स के अंदर मिलेगी गिफ्ट में, उसका नीचे लिंक दिया और रजिस्टर कर लीजिए एंड अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड देन सी हाउ द गेम चेंज। अब बात करते हैं 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी। पहली गलती, 97% जो इंश्योरेंस एडवाइजर लोग हैं वो कभी शायद जिंदगी प्लानिंग करते ही नहीं है, दे नेवर थिंक। अगर उनसे पूछो, हाँ भाई बताइए क्या है, कैसा क्या है, क्या है, हाँ सर ठीक है, बस काम कर रहे हैं सर, कैसा चल रहा है, सर ठीक चल रहा है, कितना पिछले महीने कितना हुआ, नहीं सर पिछले कुछ खास नहीं हुआ, उसके पहले कितना हुआ था, नहीं सर कुछ, अरे जब खास नहीं हुआ, ठीक चल रहा है और पैसे आ नहीं रहे तो ठीक क्या, खाक चल रहा है क्या, हम जा किसी मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, हे भगवान कुछ कर दे, भगवान नहीं आपको करना पड़ेगा काम, आपको भगवान का काम है आपको जिंदगी देना, बस बाकी काम आपको करना पड़ेगा। तो जब ठीक नहीं चल रहा तो फिर काहे बोल रहे हो ठीक चल रहा है, अपने आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो। तो पहली गलती तो ये है कि प्लानिंग करते उनको लगता है बस सुबह शाम उठो और चलो ठीक है, क्या प्लानिंग पोलिंग, हमको तो वही काम है, वही जाके पॉलिसी बेचना है, अब ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, ये साल में सिर्फ 4 बार प्लानिंग करते हैं, कब, होली, दिवाली और ईद और क्रिसमस, मतलब जो क्रिसमस डे आता है, बस 4 बार प्लानिंग। मतलब क्या हुआ, जब सो के जागे, अच्छा प्लानिंग भी करना चाहिए क्या, हाँ चलो कर लेते हैं, गंगा नहा लेते हैं, काम बन जाएगा,
कृपा हो जाएगी गंगा महारानी जी की। तो कंटिन्यूअस प्लानिंग नहीं करते, कभी किया भी कभी ठीक है बिजी हो गए, नहीं देखो रवि जी आप समझते हैं हमारे घर में इतना चल रहा है कहाँ समय मिलता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो ठीक है बिजी है तो क्या हुआ, क्या आप लाइफ में उस मुकाम पे पहुँच गए जहाँ पहुँचना चाहते थे, क्या आप उतने पैसे कमा रहे हैं, नहीं तो फिर काहे बिजी हो, बिजी कहाँ हो, वेर आर यू बिजी बडी। मैं देखिए मैं बहुत कड़वी बात करता हूँ इसलिए ताकि आपका भला हो उद्धार हो, बाकी मेरा कोई पर्पज नहीं है। दवा कड़वी ही काम करती है, मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है ज्यादा खाने से, राइट। तो खट्टा और नमकीन और मीठा सब मिलावर होना चाहिए, राइट। इसलिए प्लानिंग कभी कभी करते हैं फिर बीच में सो जाते हैं, कंसिस्टेंसी प्लानिंग में तो है ही नहीं। ये 97 99, कई सारे मैं MDRT एडवाइजर एजेंट को जानता हूं जिनका प्लानिंग से 36 का आंकड़ा है। अरे रवि जी प्लानिंग वानिंग क्या होता है, बेकार है, हम तो ऐसे ही चैंपियन है बस। फिर उनका क्या हाल होता है, एक साल MDRT चले गए तो 10 साल MDRT होता ही नहीं, क्यों, अहंकार आ गया, MDRT कर लिया तीर मान लिया, कोई थी MDRT कुछ नहीं बिजनेस में। अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस करते हो आपको COT जाना चाहिए, MDRT तो छोटा गोल है, उसके लिए है जिसके सपने कम है जिसके दम कम है, बाकी तो MDRT बहुत बता रहा छोटा गोल है MDRT, राइट। जस्ट फॉलो करके देखो तो सही। और तीसरी गलती क्या करते हैं, ये गलती वो लोग करते हैं जो कभी कभी प्लानिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लानिंग के दौरान सोचते ही रहते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि सोचते सोचते टेंशन में आ जाते हैं। अरे रवि जी क्या बताएं, बहुत ज्यादा टेंशन आ गया, काहे, अरे हमने बहुत ज्यादा सोच लिया, इतना सोचे कि एक्शन लेना भूल गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग करनी क्यों है, ताकि आप सही काम कर पाए सही एक्शन ले पाए। अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो और प्लानिंग ही करते रहोगे तो होगा क्या, नील बटे सन्नाटा, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। तो ये एक्शन नहीं लेते, इनको लगता है प्लानिंग कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम प्लानिंग करना, बाकी भगवान देखेंगे, भगवान सब देख रहे हैं, काम आपको करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ प्लानिंग के दौरान में रुक जाते हैं, ये तीन गलतियां आपको नहीं करनी है। अब आप बोलेंगे तो रवि जी बताइए कैसे करना है, मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्लानिंग का फॉर्मूला दे रहा हूं, भटकना नहीं है, लेफ्ट नो राइट सीधा जो बताऊं सो कर लेना, प्रॉमिस कीजिए, चैलेंज है आपके ऊपर कि क्या जो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करेंगे, यस नो, अगर चैलेंज एक्सेप्टेड गो एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स चैलेंज एक्सेप्टेड और आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए। सबसे पहला काम, हाँ उसके पहले जो मैं संडे को वर्कशॉप कर रहा हूँ फ्री में, उसके नीचे लिंक दिया और रजिस्टर कीजिए, वरना मेरे टीम ऑफ कहाँ मिलेगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वहाँ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पहला काम, बिगिन विथ एंड इन माइंड, मतलब क्या होता है, शुरुआत से पहली खत्म कर दीजिए, सिंपल इसका मतलब है, कई बार बता चुका हूँ, साल में आपको कहाँ जाना है क्या अचीव करना चाहते हैं पहले प्लानिंग का हिस्सा ये बनाइए, यानी ध्रुव तारा, आपको दूर का लक्ष्य क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो छोटी मोटी समस्याओं में उलझ जाओगे और समस्याएं कभी सुलझती नहीं है, आपको सुलझाना पड़ता है, प्रॉब्लम आपके पीछे नहीं छोड़ेंगी, आपको प्रॉब्लम से डील करना सीखना पड़ेगा, ये कड़वी बात है पर ये सच है और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जितना आप बड़े बनोगे जितना पैसे कमाओगे उतनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी, ये भगवान करते हैं, बिकॉज उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहली बात, जाना कहाँ है, एंड गोल, दूसरी बात उसको नंबर जानिए, अपने नंबर को पहचान। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए अगर आपको MDRT जाना है, अभी आपको 0 हुआ है तो अभी 6 महीने बचे हुए, 5.5 महीने, तो आपको 6.5 लाख का बिजनेस चाहिए महीने में, आपको एक हफ्ते बिजनेस चाहिए 1,60,000 रुपये का, और डेली बेसिस पे आपको 23,000 रुपये का रेगुलर प्रीमियम चाहिए, ये आपका हो गया नंबर, ठीक है। अब तीसरा काम क्या करना है प्लानिंग में, आपको रोज शाम को सोने से पहले आपको दुनिया भर की बातें नहीं सोचनी है, वो कहाँ क्या चल रहा है वो सब चलता रहेगा, वो आप कहाँ बाढ़ आ गई कहाँ, वो सब आपके कंट्रोल के बाहर है, आप सुरक्षित रहिए, जिसकी मदद कर सकते हो उसकी मदद कर दीजिए। इसके अलावा बैठ के टीवी देखने से दिल्ली डूब रही है, कुछ नहीं है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर में बहुत भयंकर गर्मी है, तो मीडिया जो है प्रॉब्लम है बट इतना नहीं जितना दिखाते हैं, बात समझ आपको आ रही है, राइट। सो पॉइंट इज, आपका काम है फोकस करना, दिन का 23,000 का प्रीमियम कहाँ से आएगा, बस उसके लिए 10 आइडिया लिखिए, कितने, रोज 10 आइडिया लिखिए, 10 आइडिया लिखने के बाद में उसमें से top 3 आइडिया उठा लीजिए, चुन लीजिए, पिकअप top 3 आइडियाज, और फिर उनको डालिए, चौथा पॉइंट, उनको डालिए टू डू लिस्ट में, कल वो जो आपका टू डू लिस्ट है उसमें से वो तीनों एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, और मेरा वादा है अगर आपने इस आइडिया के ऊपर अगले 90 दिन काम कर लिया
तो आपके आपके लाइफ से पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कभी जिंदगी में आपकी, क्योंकि पॉलिसी बिकेगी तो पैसा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी नहीं बिक रही है तो पेट में दर्द बहुत है। और क्यों, क्योंकि प्लानिंग से काम नहीं हो रहा। बस इसका इस्तेमाल कर लीजिए, पॉलिसी बिकेगी, पैसा। यानी क्या मतलब बोला, टॉप 3 एक्टिविटी उनको डालिए टू डू लिस्ट में और काम पे लगा दिए। चौथा काम क्या है, कुछ काम नहीं, एक्शन, बस प्लानिंग खत्म। इसके अलावा सब ठीक है, प्लानिंग खत्म, काम शुरू। जो भी आपने एक्टिविटी लिखी है, सुबह उठते ही बगैर नो लेफ्ट नो राइट अपना उठे, और उठते ही जो डोली जो मैं बताता हूँ अपने प्रोग्राम में कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने माइंड के ऊपर काम कीजिए, हेल्थ में काम कीजिए, सोल में काम, उसके बाद सीधे काम पे लग गए। सुबह 7 बजे जल्दी काम करने में आदत डालिए, यानी 11 बजे घर से निकलना है, अभी तो 12 बजे, यही तो जल्दी काम शुरू कीजिए, जल्दी काम शुरू कीजिए और लेट तक काम, यानी ज़्यादा काम करिए। लेकिन तरीके से वो ज़्यादा काम कब करना पड़ेगा, जब आप बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल लेवल पे हो, जब आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है। एक बार बिजनेस बिल्ड हो जाएगा फिर आपको मजा आएगा, फिर काम आप जो कर चुके होंगे वहाँ से पैसे आपको हाथ। इसलिए शुरू शुरू में, या आप MDRT हो गए, COT जाना है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। COT हो, TOT जाना है, असली मजा आता है TOT के बाद में, जब साल में 50-60 लाख की इनकम आती है और कस्टमर बन जाते हैं, रिन्यूअल आता है, आहा, वो पहुँचने के लिए घिसाना तो पड़ेगा। नहीं रवि जी, हमको इतना जरा, हमारा तो काम, फिर छोटी सोच और पाँव में मोच जिंदगी भर इंसान को छोटा रखती है। आदमी सिर्फ पैसों से बड़ा नहीं होता, मेरी बात तो गलत मत लीजिए, आदमी बड़ा अपनी सोच से होता है। पैसे आप चाहे भले ही कम कमाए, लेकिन सोचिए अच्छा, सोचिए बड़ा। क्यों, भगवान ने आपको जो टैलेंट दिया है उसका आपने क्या किया, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने बिजनेस में तो वो गलत जगह जाएगा। और ये बहुत शानदार बिजनेस है, लोगों की मदद करने का काम है, इसलिए इसको सही से करिए। तो पॉइंट ये है कि आप कल से बनाइए और काम पे लग जाइए, फिर 90 दिन तक इसको कीजिए। मेरा चैलेंज है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं अगले 90 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे? अगर करते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको शानदार लगा, मज़ा आ गया, लव है, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको लग रहा है, कम से कम 5 दोस्तों को भेजिए, अपने टीम को भेजिए और देखिए कैसे गेम। मेरा आपसे वादा है, करके देखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े उसका तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू वेरी मच। और रजिस्टर कीजिए, मेरा जो वर्कशॉप होने वाला है, फॉर यू ओनली। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।